हाँ, अब बच्चों देखो उदाहरण नंबर 2, 13 है। इंटीग्रेशन हमारी चल रही है समाकलन, इसके अंदर cos 3x cos 4x dx, cos 3x cos 4x dx, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। cos 3x cos 4x dx का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 cos A cos B का सूत्र होता है। क्या होता है, 2 cos A cos B का, 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला होता है, cos A + B प्लस में cos A - B होता है ना। 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो आप, 2 नहीं है तो 2 का अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ cos A cos B है तो cos A + B प्लस में cos A - B। अब इसी प्रकार अगर 2 sin A sin B आ जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस वाला पहले आ जाता है, A - B माइनस cos A + B, 2 sin A sin B cos A - B माइनस cos A + B। फिर उसके बाद में अगर 2 sin A cos B, 2 sin A cos B इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन पहले आएगा sin A + B प्लस में sin A - B। फिर अगर यहाँ पहले कोस आता है A में, 2 cos A cos A·sin B हो, 2 cos A·sin B तो क्या फॉर्मूला होता है, sin A + B माइनस का आ जाएगा sin A - B। अब यहाँ cos 3x, a का मान 3x है, b का मान 4x है, a का मान 3x है, b का मान 4x, तो हमारे पास किसकी आवश्यकता है, यहाँ 2 आना जरूरी है, क्या आना चाहिए, 2, तो अंश और हर में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, अंश और हर में क्या कर देंगे, 2 से गुणा करने पर अंश और हर में, अंश और हर में 2 से गुणा करने पर तो 1/2 आ जाएगा, हर में करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 1/2 2 cos 3x cos 4x dx। अब a का मान है वो 3x है और b का मान है वो कितना है, 4x है, a का मान 3x है, b का मान है वो कितना है, 4x, तो i बराबर 1/2 cos A + B 3x + 4x dx, फिर प्लस का ही आएगा, 1/2 cos 3x - 4x dx, तो कोस एंगल में जुड़ जाएगा, 3x + 4x कितने हो जाएंगे, 7x, i 1/2 cos 7x dx प्लस 1/2 cos प्लस का 3x माइनस का 4x dx, तो क्या आ जाएगा, cos - x। अब एक cos - x है वो क्या आ जाता है, प्लस का cos x आता है, cos - x है वो क्या आता है, प्लस का cos x, तो i 1/2 cos 7x dx प्लस 1/2 cos x dx। अब cos 7x का sin 7x, i 1/2 sin 7x, फिर 7x का उकलन 7 होता है परंतु समाकलन में क्या आ जाता है, गुणा में, प्लस 1/2 cos x का
साइन एक्स प्लस में सी। इसमें क्या आ जाएगा, 7 × 14 इंप्लाइज दैट साइन 7x 7 × 14 प्लस में साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में सी आ जाएगा। दोबारा देखो इसको, कोस 3x डॉट कोस 4x है, तो 2 कोस 3x से 2 से अंश और हर में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, 3x प्लस 4x 7x, ए प्लस ए माइनस बी माइनस का x प्लस का x हो जाएगा, कोस 7x का समाकलन साइन 7x, 7x का अवकलन 7 होता है परंतु बटे में आ जाएगा 7, फिर कोस x का समाकलन साइन x और प्लस में c, सो 7 × 14 क्लियर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इनका, साइन की स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोई फॉर्मूला नहीं होता साइन स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे बताओ, साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है समाकलन में, तो हम इसको कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम कोस टू एक्स के सूत्र में तोड़ देंगे, किसके सूत्र में तोड़ देंगे, कोस टू एक्स के, कैसे, तो cos 2x का जो सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, इसके सूत्र से तोड़ेंगे, कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, कोई ऐसे नहीं है कि जैसे अवकलन में तोड़ दिया, घात का, घात का कोई समाकलन नहीं होता है त्रिकोणमिति में समाकलन में, तो हम इसको कैसे करेंगे, कोस 2x है इनको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पक्षांतरण से दो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x, दो गुणा में है तो वो किस में आ जाएगा, भाग में, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस 2x बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कोस 2x बटे 2, तो साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस 2x, दो गुणा में वो किस में आ जाएगा, भाग में, तो i बराबर 1 माइनस कोस 2x बटे 2 dx, अलग अलग भाग देंगा, 1 बटा 2 dx माइनस 1 बटा 2 कोस 2x dx, dx का समाकलन क्या होगा, x, x बटा 2 माइनस कोस 2x का साइन 2x, फिर 2x का अवकलन 2, 2 दुआ 4 प्लस में c आ जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कोस 2x बटे 2, अलग अलग भाग देंगे, 1 बटा 2 डी एक्स कोस 2x का साइन 2x, 2x का 2 दुआ 4 प्लस में सी आ जाए। आगे हैं कोस की क्यूब एक्स डी एक्स, तीसरा कोस की क्यूब एक्स डी एक्स, इनको हम कैसे करेंगे, या तो कोस स्क्वायर एक्स में तोड़ दो, दो फॉर्मूला इसका मैं बताता हूँ, दो प्रकार ऊपर स्कैन, या तो कोस की क्यूब एक्स है तो आप के करांगे में कोस स्क्वायर एक्स डोटे कोस एक्स, आई बराबर कोस स्क्वायर एक्स डोट कोस एक्स,
अब साइन एक्स बराबर टी मानते तो कोस एक्स बराबर अवकलन आता है, साइन एक्स का अवकलन क्या आता है कोस एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स को तोड़ देंगे, एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, माना साइन एक्स बराबर टी, माना साइन एक्स बराबर टी, अवकलन करेंगे कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो आई बराबर वन माइनस टी स्क्वेयर डी टी, अलग अलग समाकलन करेंगे डी टी माइनस टी स्क्वेयर डी टी, डी टी का समाकलन टी, टी की क्यूब पॉन तीन प्लस से सी आ जाएगा। टी का मान साइन एक्स है, टी का मान क्या है साइन एक्स, तो I बराबर साइन एक्स माइनस साइन की क्यूब एक्स अपॉन तीन प्लस में सी। दोबारा देखो इसको, कोस की क्यूब एक्स है, इनको हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर एक्स डॉट कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को तोड़ देंगे, एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे टी, तो अवकलन करेंगे साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, अलग अलग इसका क्या करेंगे समाकलन वन डी टी डी टी टी स्क्वायर डी टी, डी टी का समाकलन टी, टी स्क्वायर का टी की क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, टी का मान रख दिया साइन एक्स अपॉन माइनस साइन की क्यूब एक्स अपॉन थ्री प्लस में सी। अब इसको दूसरे तरीके में कर सका, देखो एक और है रूल इसका, कोस की क्यूब एक्स, क्यूब किस में आता है त्रिकोणमिति में कोस थ्री एक्स वाले फॉर्मूले में आता है, किस में आता है कोस थ्री एक्स वाले, क्या होता है कोस थ्री एक्स का फॉर्मूला त्रिकोणमिति में, चार कोस की क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स आता है, आता ना कोस से थ्री एक्स का क्या फॉर्मूला होता है चार कोस की क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स। अब इसका क्या कर देंगे पक्षांतरण, कैसे हमारे पास कोस की क्यूब चाहिए ना, तो चार कोस की क्यूब एक्स ये माइनस थ्री कोस एक्स है वो क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का, तो कोस थ्री एक्स प्लस तीन कोस एक्स, चार गुणा में तो वो क्या आ जाएगा भाग में, कोस की क्यूब एक्स कोस थ्री एक्स तीन कोस एक्स अपॉन चार, कोस थ्री एक्स प्लस तीन कोस एक्स। अब एक बटा चार बार ले लेंगे और अलग अलग समाकलन करेंगे कोस थ्री एक्स डी एक्स प्लस ये थ्री बटा फोर और चार यानी तीन बटा चार आ जाएगा और कोस एक्स डी एक्स, कोस तीन एक्स का समाकलन क्या होगा साइन तीन एक्स, साइन तीन एक्स, तीन एक्स का तीन, तीन चौके बारह प्लस तीन बटा चार, कोस एक्स का क्या होगा समाकलन साइन एक्स प्लस में सी, यह तो कोस थ्री एक्स कोस की क्यूब एक्स है तो इसका हम डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, परंतु कोस थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है चार कोस की क्यूब एक्स माइनस तीन कोस एक्स, इसके सूत्र से क्या कर देंगे हम चार कोस की क्यूब एक्स बराबर माइनस का तीन कोस एक्स है वो प्लस का हो जाएगा, फिर इसको चार गुणा में वो भाग में अलग अलग इसका समाकलन कर देंगे कोस थ्री एक्स का समाकलन साइन थ्री एक्स, कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, क्लियर है ऐसे हो। अब इसका जो साइन की घात चार एक्स वाला है
साइन की घात 4x dx, उदाहरण नंबर 13 का 4 नंबर पार्ट, साइन की घात 4x dx। तो साइन की घात 4x तो आता ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे बताओ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स कब आता है, 1 माइनस कोस 2x बटे 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ये साइन स्क्वायर एक्स कब आता है, 1 माइनस कोस 2x बटे 2, ठीक है। तो 1 माइनस कोस 2x बटे 2 आई बराबर 1 माइनस कोस 2x बटे 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब 1/4 बार आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर dx, इसका अलग अलग करो, 1/4 एक होल स्क्वायर, 1 कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x और dx। अब इसका अलग अलग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो 1/4 dx 1/4 कोस स्क्वायर 2x माइनस 2/4 1/2 समाकलन कोस 2x dx। अब कोस स्क्वायर 2x इनका कैसे करेंगे बताओ, कोस स्क्वायर 2x वही तोड़ देंगे, कोस 4x का, कोस 4x का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 2x दुगना हो जाए ना कोण का, जैसे कोण को हाफ करते हैं तो उसी प्रकार कोण को डबल भी तो कर सकते हैं। अब 2 कोस स्क्वायर 2x बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस 4x कोस स्क्वायर 2x 1 प्लस कोस 4x बटे 2 आ जाएगा, 1 प्लस कोस 4x बटे 2। तो i बराबर 1/4 dx प्लस 1 बटे 2, तो 1/4 दुआ 8 हो जाएगा, dx प्लस 1/8 कोस 4x dx माइनस 1/2 कोस 2x dx। तो 1 dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, 1 dx का समाकलन क्या होता है, x। तो i बराबर 1/4 x 1/8 x 1/x प्लस 1/8 कोस 4x का साइन 4x, 4x का 4 8 32 माइनस 1/2 साइन 2x और 2x का 4 2 2 4 प्लस में c, ये आ जाए। कैसे किया, साइन की घात 4x है, इनको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, परंतु साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर एक्स है, इसको 1 माइनस कोस 2x बटे 2 का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x dx 1/4 कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 दुआ 4 1/2 कोस 2x dx। अलग अलग क्या करेंगे, समाकलन, 1 dx कोस स्क्वायर 2x का क्या करेंगे, कोस स्क्वायर 2x 2 कोस स्क्वायर नहीं, कोस स्क्वायर 2x नहीं है, हाँ सॉरी कोस स्क्वायर 2x, कोस 4x का कोस 2x का दुगना हो जाएगा कोस 4x, फिर वो फॉर्मूला लगाया, अलग अलग इसका क्या किया, समाकलन, ठीक है। थैंक यू, अब आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे।